अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक प्रकरण दिया, व्यवहारवासी का पहला भेद बतलाते समय कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारवासी, वहाँ पर ये जीव परंपरा 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 इसका बात तो, अरे नहीं नहीं साहब क्या करें साहब, हमारे तो परंपरा यही चल रही है साहब, हमारे तो कुल परंपरा इसी प्रकार की चल रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आया है, हमारे यहाँ तो यही चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही करते हैं, हम तो यही करेंगे, हमारे यहाँ तो कुल देवता को माना जाता है, हमारे यहाँ तो देवी है, हमारे यहाँ तो ये है, हम तो मानेंगे साहब, हमारे यहाँ तो पितरों को पूजा जाता है, व्यंतरों को पूजा जाता है, इनके जो ताऊ जी के लड़के थे वो मर करके वो हो गए थे तो फिर उनके लिए ये की जाती है, वो की जाती है, रात जगाते हैं ना, मालूम क्या क्या दुनिया भर की परंपराएं लोग कहते हैं, मंदिरों में हमारे यहाँ तो इस तरह की परंपरा है, ये जगाने की परंपरा है, ये पंचामृत की परंपरा है, इसकी परंपरा है, फल फूल चढ़ाने की परंपरा है, अरे दुनिया भर की परंपराओं के नाम पर पोषण होता चला जाता है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, यदि परंपरा ही निभानी है तो आपके पिताजी और दादाजी से परंपरा क्यों निभाते हो, पिताजी दादाजी और दादाजी के पिताजी ने जो गलत परंपरा चला दी थी, उनके पिताजी और उनके पिताजी जो सही काम करते थे उसे क्यों नहीं फॉलो करते हो, गलत परंपरा नहीं, परंपरा यदि सच में निभानी है आपको, यदि सच में परंपरा के निर्वाह करता यदि आप हैं तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को निभाइए। आपको लग रहा है ना कि हम परंपरा निभाएंगे, हम परंपरा निभाएंगे, निभाइए आप परंपरा को, मैं आपसे कहता हूं आज तक सही परंपरा चल रही थी, मान लीजिए सही परंपरा चल रही थी, और आज यदि मेरे माध्यम से कोई गलत परंपरा चला दी गई, क्या आज मेरे माध्यम से कोई गलत परंपरा चल गई, ठीक है ना, अब मुझे देखा मेरी आगे पीढ़ी वाले ने और उसके आगामी पीढ़ी वालों ने भी मुझे भी देखा और अपने पिताजी को भी देखा, तो तीन पीढ़ियों से चल रही है ना बात, अब वो कहेगा भैया हमारे तो यही परंपरा है, अरे भाई ये गलत परंपरा तो तेरे दादाजी ने चला दी थी, लेकिन तेरे दादाजी के जो पिताजी थे ना उस परंपरा को अपना जो सच्ची परंपरा थी, मूल परंपरा भगवान महावीर स्वामी की, कुंद कुंद स्वामी की, उस परंपरा का निर्वाह क्यों नहीं करता है, को पता ही नहीं है क्या। अभी कहां की घटनाएं, 5-7 दिन पुरानी घटनाएं, अपने प्रवचन खत्म होने के बाद में एक सादर्मियों के साथ में एक स्वाध्याय चर्चा थी कुछ आधा पौन घंटे के लिए, एक ग्रुप के साथ में कुछ बाहर के लोग भी जुड़े हुए थे, एले के लोग भी थे, इधर अहमदाबाद वगैरह के थे, तो कुणाल भाई वगैरह और ये सब थे आपके, तो उन्होंने मेरे से कही बात कि हम लोग पंडित जी हमारे जो दादाजी है ना वो दादाजी गुरुदेव के समय में कन्वर्ट हो गए थे, पहले श्वेतांबर थे फिर वे कन्वर्ट हो गए थे, वे दिगंबर हो गए, हम लोग मूल में तो श्वेतांबर हैं क्या, लेकिन दादाजी ने फिर वो दिगंबर धर्म अपना लिया था, मूल में तो हम वही हैं और फिर हम श्वेतांबर हैं। मैंने उन लोगों को समझाई बात, उनको कही, और जो बात मैंने उनको कही ये बात मैंने 1995 में और 1997 में 2 10 लक्षण पर्व अहमदाबाद में किए, वहाँ भी मैंने कुछ लोगों ने जब जब मेरे से ऐसी बात कही तो मैंने उनसे कही क्या, सुनो भाई आपको गलत फहमी हो गई है क्या, आप ये कह रहे हैं हम पहले श्वेतांबर थे बाद में दिगंबर बन गए हम, अरे गलत फहमी है आपको, नहीं नहीं हमारे दादाजी वगैरह सब मूल में तो श्वेतांबर ही थे, बाद में हम कन्वर्ट हो गए, बाद में हम दिगंबर हो गए, क्या बात कर रहे हो आप मूल में दिगंबर थे, बीच में कुछ पीढ़ियों में श्वेतांबर हो गए और बाद में वापस दिगंबर हो गए, और एक बात बतलाऊं आपका जन्म तो दिगंबर ही हुआ था, दुनिया में कौन ऐसा है जिसका जन्म दिगंबर नहीं होता क्या, प्रकृति से दिगंबर हैं हम तो,
दिगंबरत्व किसी दर्शन का नाम नहीं है, दिगंबरत्व किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, दिगंबरत्व किसी बाड़े का नाम नहीं है, दिगंबर तो वस्तु का स्वरूप है, मूल स्वरूप है। दिगंबरत्व किसका नाम है? सृष्टि के दिगंबरत्व की घोषणा करे उसका नाम दिगंबरत्व है। पहले कोई 21 साल पहले मैं प्रवचनों के अंदर ये पॉइंट खूब उठाता था, अरे दिगंबर दर्शन किसका नाम है? पंडित जी आप दिगंबर हो के श्वेतांबर हो क्या? कि साहब हम दिगंबर हैं। कि सफेद कपड़े पहने हुए दिगंबर, वाह 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 क्या बात कर रहे हो, हमें तो आप श्वेतांबर दिखाई दे रहे हो। श्वेत अंबर, सफेद कपड़े जिसने पहने हो वो श्वेतांबर है, आप तो हमें साफ साफ श्वेतांबर नजर आ रहे हो और आप कहते हो हम दिगंबर हैं। अरे भाई किसने कह दिया कि हमने इन कपड़ों को ओढ़ रखा है, पहन रखा है? कपड़ों ने तन को छुआ नहीं है, कपड़े शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बात बड़ी अजब गजब की है, थोड़ा सा समझ में आए तो आपको मजा आवे। ये बात क्या है, ये दर्शन कैसा दर्शन है? ये दर्शन कहता है एक परमाणु के ऊपर दूसरे परमाणु का आवरण नहीं है, एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को ओढ़ नहीं रखा है। कण कण स्वाधीन है, परमाणु परमाणु स्वाधीन है, तीन लोक के अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सब स्वतंत्र और स्वाधीन है, किसी के ऊपर किसी का आवरण नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रकृति दिगंबरत्व की घोषणा करती है। जो इस दिगंबरत्व की घोषणा करे उसका नाम दिगंबर दर्शन। ख्याल में आ रही है बात, कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसको ओढ़े, कौन किसको पहने? भाई साहब किसने किसको पहन रखा है? हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने कपड़ों को पहन रखा है। अरे कपड़े के परमाणु स्वतंत्र हैं और शरीर के परमाणु स्वतंत्र हैं क्या? किसके ऊपर बैठे हैं आप? कि साहब हम तो ये गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। कि गद्दी किसके ऊपर है? कि गद्दी चौकी के ऊपर है। कि चौकी किसके ऊपर है? कि वो जमीन के ऊपर है। कि जमीन किसके ऊपर है? कि वो नीचे पिलर्स के ऊपर है। कि वो किसके ऊपर है? कि नीचे नींव डली हुई है। अरे कौन किसके ऊपर है भैया? कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं होता है क्या? कण कण स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता की घोषणा करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये मूल सिद्धांत कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं और अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं में मिलेगा। जगत में ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है, इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। हमने उठाया इसको, ये उठ गया, हमने नीचे किया, ये नीचे हो गया, हमने ऐसा चलाया तो चल गया, तो लग रहा है ना कि मैं करता हूँ। मैंने किसी व्यक्ति की पिटाई की तो आपको लग रहा है ना कि कर दी है। फिर आप कह रहे हो कि साहब कोई करता धरता नहीं है, ऐसा कैसे होगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ऐसा कैसे होगा? अरे भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। इन निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। तो बात समझ में आ रही है, पूरी प्रकृति स्वतंत्र है। आपको क्या लगता है किसने किसको ओढ़ रखा है? बादलों ने ढक रखा है, अरे बादलों ने सूर्य को ओढ़ दिया, ढक दिया क्या? सारी धरती बादलों से पूरी ढक गई है। अच्छा, अरे हरियाली से देखो आप, पूरे खेत हरियाली से ढक गए हैं। अरे आप देखो पानी के ऊपर ये काई छा गई है, पूरी की पूरी काई सेवाल जम गई है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। अरे भाई ये दर्शन कैसा दर्शन है, ये संप्रदाय कैसा संप्रदाय है, ये बातें कैसी अद्भुत बातें हैं। कुछ समझ में आ रही है क्या बात, क्या कही जा रही है? जिस दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं ये कुछ अलौकिक दर्शन है। यहाँ जो बातें बताई जाती है ये कुछ अलौकिक बातें हैं भाई साहब, सुनने पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और इनको समझे बिना पार पड़ने वाली नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, सारे दुनिया भर में घूम लो, चक्कर लगा लो सारी दुनिया भर के। खूब घूमाए हम भी सब देशों में, दुनिया भर में खूब देशों के अंदर घूमाए, जगह जगह जा जा करके, और सब जगह पर एक ही दुख है। पंडित जी क्या करें, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या करें पंडित जी, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। भैया शांति बाहर में नहीं है ना, अंदर में देखना पड़ेगा। कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, कौन सी जगह पर, कहीं नहीं, जब देखा निज आत्मा, अंदर में आना पड़ेगा, अपने दिगंबरत्व स्वरूप को देखना पड़ेगा। अरे मेरा दिगंबर स्वरूप तो ऐसा है, अपने दिगंबर स्वरूप की बात कहता हूँ, मैंने ये तन के ऊपर कपड़े तो पहन ही नहीं रखे हैं, अरे तन का आवरण भी जहां नहीं है क्या? आत्मा ने शरीर को पहन रखा है या नहीं ये बतलाइए क्या? आत्मा के ऊपर द्रव्य कर्म का आवरण है या नहीं है? अरे चेतन के ऊपर अचेतन का आवरण क्या मायना रखता है? किसके ऊपर किसका आवरण है, निरावरण है? सृष्टि के निरावरणपन की चर्चा
इस दर्शन में की गई है, इसलिए इस दर्शन को दिगंबर दर्शन कह करके पुकारा जाता है। हर चीज दिगंबर, हर वस्तु निरावरण, ऑटोमेटिक पैकिंग, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं हमें बतलाइए कौन कैसे पैदा हो रहा है। दुनिया में जो भी पैदा होता है, हर व्यक्ति मनुष्य गति का जीव, तो विशेष रूप से बात करें अपन तो दिगंबर ही जन्म लेते हैं, इसलिए जन्म से सब यही हैं। अब सोचो आप जरा, परंपरा बदलने की बात कर रहे हो ना आप, परंपरा बदलने की, तो ये कह रहे परंपरा छूटती नहीं है हमसे, हमारी परंपरा नहीं छूटती। अज्ञानवश कुदेव कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, ओहो अज्ञानवश करता रहता है, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करता है जिनसे धर्म पर से श्रद्धा हटकर सम्यक्त्व से में शिथिलता पैदा हो जाए, सम्यक दर्शन में शिथिलता पैदा हो जाए, वो मूढ़ दृष्टि है, मूढ़ दृष्टि है। क्या पांच नंबर बिंदु, अनुपगुहन, अनुपगुहन अशक्तता, अनुपगुहन ये क्या है, उपगुहन माने होता है ढकना और अनुपगुहन का मतलब होता है उगाड़ना। अरे भाई अशक्तता अज्ञान व प्रमाद के वश, तीन हेतु दे दिए, शारीरिक अशक्तता है, अज्ञान अवस्था है, प्रमाद दिखाई देता है जीवन में, इसके वश किसी रत्नत्रय के धारक से, किसी ज्ञानी से, किसी धर्मात्मा से अथवा अन्य सहधर्मी से उसके पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो, पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो। अरे भाई साहब मुनिराजों से भी हो जाते हैं अनेक बार, समाज में भी ऐसी कई घटनाएं आती है, मत उजागर कीजिए उन घटनाओं को, मत बतलाइए ऐसी घटनाओं को, व्हाट्सएप की और फेसबुक की विषय वस्तु कभी नहीं बनाएंगे हम। दृढ़ता रखिए अंदर में, उपगुहन अंग का पालन कीजिए, हम कभी उजागर नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे, हम ढकेंगे, इससे धर्म बदनाम होता है, हमारी निंदा हो रही है, दुनिया के सामने निंदा हो रही है। न्यूज़पेपर में यदि दिगंबर मुनिराजों की निंदा छपती है तो वो उनकी निंदा नहीं है, वो हमारी निंदा है। न्यूज़पेपर में यदि ज्ञानियों के बारे में किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें छपती है तो वो उंगली उठ रही है, प्रदीप जी भाई साहब अपने ऊपर, क्या हमारे ऊपर उंगली उठ रही है। जैन शासन के ऊपर विराधना का प्रसंग आ रहा है, हम संभलें, हम संभालें, जैनत्व का गौरव बना रहे, अन्य समाज के सामने बना रहे, दूसरे लोगों के सामने बना रहे, समाज में दूसरे धर्म संप्रदाय वाले लोगों के सामने कि नहीं नहीं जैनी है, जैनियों का आचरण, जैनियों का विवेक, जैनियों का धर्म, जैनियों की शिक्षा, जैनियों का सोचने विचार करने का तरीका, सब कुछ अद्भुत होता है। जैन समाज इतना गौरवशाली होना चाहिए, इतना गौरव था जैन समाज का किसी जमाने में कि कोर्ट में गवाही के लिए प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी, आप जैन साहब हैं, नहीं नहीं आपको प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है, आप तो सच ही बोलते हैं, आपको कहाँ प्रतिज्ञा की जरूरत है। एक जमाना था इस तरह का, जैनों का इस तरह का गौरव हुआ करता था, जैन, जैन का मतलब अपने आप में इतनी गौरवशाली दशा कि जैन सुनते ही मजिस्ट्रेट ये कहता था कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा इनको दिलाने की जरूरत नहीं है जैन साहब। जैनियों का इतना रुतवा और इतना गौरव हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में भी कि उनके शासन काल में भी जैन साहब को शाम को समय हो रहा है भोजन के लिए, इन्हें जल्दी नहीं, इनको जाने दो, इनको देर हो रही है, ये रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्या ये चौबीस यार करेंगे, इनका समय हो गया है, इन्हें जाने दीजिए, इतना गौरव होता था जैनियों का। भैया सावधानी रखें, है ना, अपने जैन शासन को बचाएं, जैन शासन की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसे संभालें, उसे बदनाम नहीं होने देवें। ये कह रहे हैं यहाँ पर अनुपगुहन में सहधर्मी उसके पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो, किसी के कोई दोष लग गया किसी के माध्यम से, किसी के माध्यम से किसी तरह का यदि कोई दोष लग गया हो तो उसे सर्वसाधारण में प्रकट करके, सर्वसाधारण के बीच में प्रकट कर दिया आपने, धर्म व समाज की हंसी कराना, क्या कर रहे हो आप, धर्म की हंसी करा रहे हो, समाज में हंसी बन रही, हंसी के पात्र बन रहे, तथा निंदा द्वारा धर्मात्मा को निर्लज्ज व उच्छृंखल बना देना, ये अनुपगुहन है, दोष है ये, बचिए इस दोष से, ये ऐसा महान दोष है, निंदा कर रहे हो आप धर्म और धर्मात्माओं की, निर्लज्ज होकर के उच्छृंखल बन गए हो आप, नहीं भैया ये अनुपगुहन है। फिर छः नंबर पर अस्थितिकरण, अस्थितिकरण, स्थितिकरण होना चाहिए, अस्थितिकरण नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों की हंसी मजाक व निंदा करना, धर्मात्माओं की
होता है भाई साहब, शादी विवाह के प्रसंगों पर चारों तरफ के समाज के लोग आकर के बैठते हैं, समाज, गैर समाज, रिश्तेदार, जानकार, सब लोग आकर के बैठते हैं, और कुछ लोग, पांच सात लोग धर्मात्मा, स्वाध्याय करने वाले, उनकी सब लोग मिलकर के, कोई एकाध व्यक्ति कोई फंस गया उनके चंगुल में तो चारों तरफ से मिलकर के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे यार ये देखो बहुत धर्मा, अरे यार आप भी किससे बात कर रहे हो यार, आप भी यार, ये तो यार ये आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल नीरस होगी साहब, आपकी ज़िंदगी में तो कोई रस नहीं होगा। फिर आप तो ऐसे ऐसे हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, ग्रुप बना करके युवा साथी लोग, भैया ये कह रहे हैं यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हो आप धर्मात्माओं की, निंदा कर रहे हो आप उनकी, उनको धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करना और उनकी धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता कराना, आपने क्या किया उनकी हंसी उड़ा करके, आपने उन्हें धार्मिक कार्यों में शिथिल कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं, आप हंसी बढ़ाएं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा। स्थितिकरण के प्रकरण में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अस्थितिकरण कभी नहीं करना, अस्थितिकरण कभी नहीं होना चाहिए। आप यदि धर्म और धर्मात्माओं की अनुमोदना कर सको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्या बहुत अच्छी बात है आप यदि अनुमोदना कर सको, लेकिन यदि आप अनुमोदना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीराधना तो कभी ना करो, क्या वीराधना कभी नहीं करेंगे हम, मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे हम, ज्ञानियों की मजाक नहीं उड़ाएंगे, धर्मात्माओं की मजाक नहीं उड़ाएंगे, अच्छा और उत्कृष्ट आचरण करने वालों की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हमारे गुरुओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम धर्मात्माओं की, हमारे विद्वानों की बेइज्जती, निंदा, अपमान, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम धार्मिकों को जैसे तैसे धर्म से चिगा देना, अस्थितिकरण क्या है, बेचारा धर्म मार्ग में चलता था उसे विचलित कर दिया, ऐसा भड़का दिया उसे, अरे यार क्या बात कर रहा है तू, रात को नहीं खाएगा ना तो तेरे को बहुत बीमारियां हो जाएगी, आप यदि रात को पानी नहीं पियोगे ना भाई साहब तो आपके गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप यदि रात को पानी नहीं पियोगे तो पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब कोई बेचारा डर गया, वो सामने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि और क्या, जैसे तैसे धर्म से चिगा देना, धर्म साधन में शिथिल कर देना, ये अस्थितिकरण है, सावधान रहो भाई साहब। क्या आगे चलिए, अवात्सल्य, भैया विचलित नहीं करेंगे, समझ रहे ना, मतलब बोलो ऐसे ऐसे बताते हैं, ज्ञाता भाई सही कह रहे हो आप, खून गाढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, गला सूख जाएगा पानी पीने के लिए, मुझे ऐसा कहते हैं डॉक्टर, कई बार कई डॉक्टरों ने कह दिया मेरे को कि पंडित जी आप लगातार बोलते हो ना, ये ठीक नहीं है, आप एक काम किया करो, एक पानी का गिलास भर के रखा करो और हर 5-7 मिनट में एक पानी की घूंट पीते रहा करो। मैंने कहा आपको पता है आप क्या कह रहे हो, आपको कुछ होश है, नहीं नहीं आप कंटिन्यूसली बोलते हो, आप कंटिन्यूसली बोलते हो, ये ठीक नहीं है, ये लगातार सब आपने देखा, ये बड़े बड़े स्पीकर्स सब मंच पर जब बोलते हैं तो पानी की बोतल रखते हैं, साथ में गिलास रखते हैं। मैंने कहा भाई ये हमारा जिन धर्म है, क्या ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ की वीराधना थोड़ी ना हो सकती है इस तरह से, आप समझते नहीं हो इसलिए नादानी भरी इस तरह की बातें करते हो, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है, पानी पीने से होता है कि नहीं पीने से होता है ये आपको पता नहीं है, हमें पता है असाता के उदय से होता है, जिनवाणी की वीराधना करने से होता है, हमें पता है। आपको यदि पता नहीं हो तो 4 दिन हमारे व्याख्यान में आकर के बैठो तो आपको पता लगे किस कारण से क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी किससे क्या होता है, सब असाता से होता है, असाता कर्म का उदय निमित्त बनता है उसमें, और आपने क्या किया जिनवाणी की वीराधना करके असाता कर्म से निपटारा नहीं किया, असाता और अधिक बांधी है। जो व्यक्ति असाता और अधिक बांधेगा और फिर वो सोचे कि उससे मेरा ठीक हो जाएगा, क्या क्या ठीक हो जाएगा, किसी व्यक्ति की आंख फूट गई, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, किसी की आंख क्यों फूटी, क्योंकि पहले कभी किसी की फोड़ी होगी, समझ रहे, उदाहरण देकर के बात कर रहा हूं मैं, तो किसी की किडनी खराब हो गई तो क्यों खराब हो गई, कि पहले कभी किसी की खराब की होगी तो अपने भी ऐसी खराब हो गई, अपन क्या करें, अब किसी की खराब करने की वजह से अपनी खराब हुई थी क्या, अब इसको ठीक करने के लिए फिर किसी दूसरे की खराब करता है, पॉइंट समझ रहे हैं क्या मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
पहले कभी किसी दूसरे की आंख फोड़ दी थी हमने, इसकी वजह से तो हमारी आंख फूट गई क्या? पहले किसी की हमने किडनी खराब कर दी थी, उदाहरण मात्र है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, किसी व्यक्ति की किडनी हमने खराब कर दी, मारा हमने पूर्व जन्म में, मारा होगा बचपन में किसी की, उसकी किडनी फोड़ फाड़ दी हमने, कुछ कर दिया। अब ऐसा कर्म बंधा, उस कर्म के बंधने के कारण, विवेक सिंघई जी, उस कर्म के बंधने के कारण हमारी किडनी खराब हो गई, बराबर। अब हमें क्या करना चाहिए बोलो भरत भाई साहब, क्या करें कि अब जो खराब हो गई है ना, अब ये किसी की खराब करने से तो खराब हुई थी, अब क्या करें कि नहीं यार कोई देने डोनेटर मिल जाए, कोई देने वाला मिल जाए, किसी के निकलवा ले हुए हैं, हम 5 लाख देने को तैयार हैं, हम 15 लाख देने को तैयार हैं, हम 25 लाख दे देंगे, कहीं 25 लाख दे दोगे आप खाए के लिए दे दोगे कि उसकी किडनी निकल जाए? अच्छा, उसकी किडनी निकल जाए और आपके लग जाए तो आप क्या काम कर रहे हो? जिस वजह से खराब हुई थी वही काम दोबारा कर रहे हो ना? नहीं समझ में आती है, मगज में नहीं आती ये बात भाई साहब? ये कर्म सिद्धांत बड़ा अद्भुत है, बड़ा गजब का है, ये ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता है, गहराई से विचार करने चिंतन करने से बातें समझ में आती हैं। सोचना विचार करना एक बार, सोचो जरा, कहता क्या है, जैन धर्म बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। देखो अवात्सल्य क्या चीज है, धर्म स्थान तथा धर्मात्माओं में द्वेष करना, धर्म स्थान में द्वेष करो, धर्मात्माओं में द्वेष रखना ये वात्सल्य ही नहीं, धर्मात्माओं की प्रति प्रीति ही नहीं है, क्या करें? उनके दोषों को खोजते रहना, क्या उनके दोषों को खोज रहा है, दोषों को तलाश रहा है, उनकी निंदा करना और उनके दुख में सहायक न होना, यह अवात्सल्य है। अरे वात्सल्य रखो भैया, दोषों को खोजते मत रहो आप, धर्मात्माओं के, ज्ञानियों के, साधर्मियों के, साधर्मियों के दोषों को यदि आप देखेंगे तो आप धर्म को जीवन में नहीं अपना पाएंगे। ये धर्म तो जीवन में उतारने की चीज़ है भाई साहब, साधर्मियों के जीवन को देख करके। अरे साधर्मी का जीवन ऐसा होता है जिसके जीवन को देख करके आपको धर्म याद आता है, आपको तत्व ज्ञान याद आता है, साधर्मियों को देख करके आपको अंदर में अनंत गुण दिखने लगते हैं, अपना चैतन्य आत्म तत्व दिखाई देने लगता है। ये आत्मा दिखेगा आपको साधर्मियों को देखने से। उनकी निंदा करना और दुख में सहायता नहीं करना, ये सब अवात्सल्य है। मैं सारे जितने प्रकरण, जितने पॉइंट दिए हैं, जितने पैराग्राफ यहाँ लिखे हैं, सबको उल्टा करके बता रहा हूँ, क्योंकि अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम 2 लाइनों में इन्होंने उल्टा करने की शिक्षा दे दी है। आपको लगेगा कि ये तो कह रहे हैं कि दुख में सहायता नहीं होना, सहायक नहीं होना, अरे लेकिन ये दोष है ना, ये तो दोष गिना रहे हैं, ये तो दोषों की चर्चा कर रहे हैं, इनमें सहायक नहीं होना। चलिए अंतिम पॉइंट, अप्रभावना क्या चीज है। कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता है, अब देखना अप्रभावना क्या होती है। आपके माध्यम से प्रभावना हो सकती हो तो आप प्रभावना कीजिए, और यदि आपके माध्यम से प्रभावना नहीं हो सकती हो तो आप प्रभावना तो मत कीजिए। यह अप्रभावना क्या होती है भाई साहब, अप्रभावना क्या होती है? अप्रभावना किसे कहते हैं? कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता है, क्या करना चाहता है धर्म प्रभावना, या कहीं पर धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना, ये अप्रभावना है। कोई करना चाह रहा था उसको नहीं करने देना, ये अप्रभावना है। कोई व्यक्ति उपवास करना चाहता था और तुमने कहा कि नहीं 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 कहीं उपवास करने की जरूरत, अरे नहीं नहीं आपसे होगा नहीं, तो आपने क्या किया, ये अप्रभावना का काम किया। कोई व्यक्ति विधान रचाना चाहता था और आपने क्या किया, नहीं 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 अरे मत कराओ यार, कहीं के विधान इतना पैसा खर्च हो जाता है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है, ये अप्रभावना का काम है। अच्छा कार्य हो रहा हो, शिक्षण शिविर लग रहे हों, विधान हो रहे हों, आयोजन हो रहे हों, ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा हो, बांटे जा रहे हों, दिए जा रहे हों, धर्म और धर्मात्माओं के द्वारा किसी तरह की योजनाएं बनाई जा रही हो, अरे भाई सब करो सब करो, कि साहब हम शिविर लगाना चाहते हैं, कि लगाओ ना, क्यों नहीं लगाना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन,
समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।